मैं बनाती हूँ मैं फूल वरना फूलेंगे नहीं, देख लो फूल रही ना, फूल रही है। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड गुड इवनिंग। आज है मंडे और सावन का सोमवार है, तो आज जो है बच्चों का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है, तो व्रत का खाना बनाने जा रही हूँ मैं। और खाने में बनाऊंगी काले चने वाली, तो मैंने ना इनको सोख कर रखा है, 5-6 घंटे हो गए इसको, तो मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। तो मेरा कुकर गर्म हो चुका है, मैं डाल दूंगी इसके अंदर तेल और बिना प्याज वाली सब्जी बनेगी, बच्चों की पसंद की सब्जी। आप बच्चे कह रहे थे कि सब्जी बनाओ आलू चने की, और कचौड़ी बनानी है इंस्टेंट आलू वाली। मसाले डाल के इसके अंदर कर दिए हैं मिक्स, मैंने थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं इसके अंदर, रिफाइंड मसाला पूरी, जो की बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनने वाली है। तो मैं ये ना इंस्टेंट आलू है, तो मैं इसके अंदर इसको मिला लूंगी। ज्यादा ना बताया, कोई बात मिला लूंगी सर। हाँ, खत्म कर, ट्राई रहेगा ट्राई। और मैं इसके अंदर मिला लूंगी थोड़ी सी सूजी, जो कि छान रखी है मैंने, क्रिस्पी बनेगी सूजी से, काफी क्रिस्पी होने वाली है ये पूरी। और मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, नमक देख कर डालना होगा क्योंकि सब्जी देखते हुए डालें। और मैं डालूंगी इसके अंदर फिर हींग, हींग से बहुत ही खुशबू आती है और टेस्टी और डाइजेशन भी होती है, डाइजेस्ट भी अच्छा होता है इससे। हींग अच्छी मात्रा में डाली है मैंने, ये थी जो मैंने क्रिस्कर पे रखी है, क्योंकि चौमासा है ना तो थोड़ा सा गीली गीली सी हो जाती है, तो मैंने ना कटोरी में करके रख दी थी गैस पे, बंद गैस के ऊपर। और ये मैं डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन क्रस करके, और फिर मैं डालूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, जिससे बहुत ही सुंदर लगने वाली है। फिर मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंथ लूंगी आटे को, आटा ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मम्मी बनाने लगी फटाफट, और ये जो फूल रही है ना, ये मैंने बेली है, ये सब मैंने बेली है तीन, ये और वहाँ पे मैं बेल रही हूँ। मम्मी कह रही मैं बनाती हूँ मैं फूल, वरना फूलेंगी नहीं, देख लो फूल रही ना, फूल रही है बिल्कुल, फूली फूली आ रही है भाई। अरे नहीं फूलेंगी तो क्या होगा। इंस्टेंट आलू मसाला कर पूरी तैयार हो चुकी है, अभी मैं दिखाती हूँ हमारे खाने में क्या क्या बनाया। सब्जी बन चुकी है और मैंने ना रायता, जला मत देना, बिल्कुल नहीं जलेगी, रायता भी बना दिया था मैंने, अब सूट करानी है, मैंने रायता भी दिखाती हूँ आपको, अभी वही रखा है बूंदी वाला रायता। तो गाइस ये है हमारी व्रत की थाली, जो कि सोमवार में व्रत रखे हैं वो भी इस थाली को बना सकते हैं। तो टेस्टी थाली हमारी बन चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये है हमारी आलू इंस्टेंट मसाला पूरी, तो बन चुकी है। ये मिठाई है, ये है रायता, और ये सब्जी, छोले की सब्जी। तो दोस्तों आ जाइए खाते हैं भर भर के, मम्मी को पसीना आ रहा है। अभी तो मुझे खाना बनाना है, लेकिन हम अभी नहीं खा सकते, बस आप लोगों को दिखाया ही है अभी मैंने, और मतलब खा सकते हैं आप लोग, खा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी पूजा नहीं हुई, अभी तो पूजा नहीं हुई है, मैं अभी और भी खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद मैं जाऊंगी मंदिर, मैं जाऊंगी 8:30 बजे के करीब जाऊंगी मंदिर, क्योंकि दुधेश्वर नाथ में लगती है भीड़, तो मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।